हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिपल ए जॉब पॉइंट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले जॉब रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए। यहाँ पर आपको नए नए वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा। आपको इस वीडियो में एसएससी सीजीएल का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊँगा। तो इसका मेनली चार टायर में एग्ज़ाम होती है। टायर वन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, टायर टू भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, टायर थ्री जो पेन एंड पेपर मोड होगी जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, टायर फोर जो स्किल टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट है। टायर वन और टायर टू दोनों का सिलेबस सेम है, जिसमें आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो चलिए डिटेल में मार्क्स एलोकेशन देख लेते हैं। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन जो 50 मार्क की होगी, जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन जो 50 मार्क की होगी, एप्टीट्यूड से भी 25 क्वेश्चन जो 50 मार्क की होगी, इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन जो 50 मार्क की होगी, एक क्वेश्चन का 2 मार्क मिलता है। तो चलिए पार्ट टू का एग्ज़ाम सिलेबस देखते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी से 100 क्वेश्चन जिसका 200 मार्क का होगा, इसका टाइम 2 घंटा होगा। इंग्लिश के लिए 200 क्वेश्चन जिसका 200 मार्क होगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। स्टैटिस्टिक्स से 100 क्वेश्चन जिसका टोटल 200 मार्क होगा, पर क्वेश्चन 2 मार्क मिलेगा। जनरल स्टडीज से 100 क्वेश्चन जिसका टोटल 200 मार्क होगा, पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क मिलेगा। टायर वन में एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 0.50 मार्क कटेगी। टायर टू में 0.25 मार्क कटेगी पेपर टू के लिए, और 0.50 मार्क कटेगी पेपर वन, थ्री और पेपर फोर के लिए। टायर टू पेपर वन और पेपर टू कंपलसरी सब्जेक्ट होगी। टायर टू में पेपर थ्री सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट वालों के लिए होगी। टायर टू पेपर फोर एग्ज़ाम सिर्फ ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए होगी। टायर थ्री जो पेन और पेपर मोड है, जो एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, इसमें 100 मार्क की एग्ज़ाम होगी। ये एग्ज़ाम 1 घंटे की होगी। इसमें आपको एसे, लेटर और एप्लीकेशन लिखने को होगी। रीजनिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, सॉल्विंग, एनालाइजिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशन कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, साइकोलॉजिक रीजनिंग एक्सेट्रा। द टॉपिक्स आर सिमेंटिक एनालॉगी, सिंबलिक और नंबर एनालॉगी, फिगरल एनालॉगी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबलिक ऑपरेशन, ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम्स, ड्राइंग इन्फ्रेंस, पंच्ड होल और पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोर्ट्स और रोल नंबर्स, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स और नंबर कोडिंग, डी कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, अदर सब टॉपिक्स। वीडियो पॉज करके अच्छे से सिलेबस देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन आएगी। एप्टीट्यूड में से मेनली क्लास 7 से 12 तक का सिलेबस होती है, जैसे कि होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ स्कूल, वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, सर्कल एंड इट्स कॉर्ड्स, टेंजेंट्स, एंगल सब्टेंड बाय कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, कॉमन टेंजेंट टू टू और मोर सर्कल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन्स, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्पीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, रेगुलर राइट पिरामिड विथ ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री एंड रेडियन मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस,
हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम्स एंड पाई चार्ट। इंग्लिश में मेनली करेक्ट इंग्लिश, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग एबिलिटी की क्वेश्चन होती है। अब चलो टायर टू के एग्जाम का सिलेबस देखते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ में मेनली स्कूल का 7 से लेकर 12 तक का होती है सिलेबस। अगर मैं टोटल ये सब पढ़ूंगा तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। पेपर टू इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग और डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, आइडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव और पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्सन इंटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। पेपर थ्री स्टैटिस्टिक्स का आपका सिलेबस है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मोमेंट्स, सीक्वेंस एंड कर्टोसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग थ्योरी, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एनालाइजिंग ऑफ वेरिएंस, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर। वीडियो पॉज करके डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। पार्ट फोर जनरल स्टडी पार्ट ए का सिलेबस आता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जिसमें आता है फाउंडेशनल प्रिंसिपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। पार्ट बी इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, जिसके अंदर आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस कमीशन रोल एंड फंक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, मनी एंड बैंकिंग। टायर फोर जो स्किल टेस्ट होगी, टैक्स असिस्टेंट के लिए 8000 की डिप्रेशन 1 घंटे, वो भी कंप्यूटर पे होनी चाहिए। ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, मेरिट लिस्ट सिर्फ टायर 1, टायर 2 और टायर 3 से होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले जॉब रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए यहाँ पे आपको नए नए वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा।